पता पातल दे तो अम्मा जी को तो थोड़ी इम्पोर्टेंस आज कम मिलेगी। ये जी हमारी तरफ से आपके लिए मुंह भरने लग गया है। इधर क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमेशा की तरह, जैसे कि मैं कहता हूँ, बहुत मजे की होने वाली है। वो किस तरह से होने वाली है? आज है जी, अम्मा क्या है आज? तुझे भी नहीं आता होगा तुम? अच्छा चल छोड़, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो आज है जी फादर्स डे। तो फादर डे यानी कि हमारे अब्बा जी का दिन, बाप का दिन होता है ये। जिस तरह से आपका मनाया था ना सुधाकर ने मदर्स डे, ये जो बैठा ये क्या बैठा है तो इसी तरह से फादर्स डे भी होता है। हाँ, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी मे बी फादर्स डे का दिन जो है गुजर चुका हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वीडियो फादर्स डे वाले दिन ही बन रही है। आपको पता है फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है, शूट करने में भी सारा दिन लग जाता है। तो फिर समझ लें कि ना जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन टाइम का सेलिब्रेशन होती है वो गुजर जाती है। हालांकि वो एक्चुअल टाइम पे ही सेलिब्रेट हुई होती है, लेकिन टाइम का आगे पीछे हो सकता है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अभी इस धागा तो मैं जा रहे हैं शहर और अब्बा जी को सरप्राइज़ देना है, तो उनके लिए हमने खरीदना है गिफ्ट। और अब्बा जी को हमने अभी तक नहीं बताया क्योंकि फिर सरप्राइज़ का मज़ा नहीं रह जाएगा। तो क्या ख़रीदना है वो भी बड़ी ना, वो एक यूनिक सी चीज़ है, कल्चर हमारे में वो शामिल है समझ लें। तो आपको पता चल जाएगा कब, जब हम गिफ्ट खरीद के आएंगे। अगर आपको कुछ पता है तो आप गेस कीजिए, नहीं पता तो कोई मसला नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कुछ मंगवाना है तो आप बता सकते हैं, आप बहुत चीज़ें मंगवाते हैं इंशाल्लाह। चप्पल लेनी है। किस तरह की लेनी है? पानी के पावन नहीं हो गई, मैं वजू कर लेनी है ना तो चप्पल पाए कर। अच्छा, मैं वो पैर सींदे जूते खराब हो जाती है। तेरे लिए मैं एक मास्क ले आऊंगा मुंह छुपाने के लिए ना, तेरा मुंह देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। तू पहले मुंह भरने लग गया है, इधर क्या पड़ा हुआ है? मेहमान आए थे ना तो काफी चीजें थी आज। किधर गए फ्रूट यार, मुझे भी कुछ दे दो। आलू बुखारा, ये मेरा गर्मियों का फर्स्ट आलू बुखारा है। यूनिवर्सिटी में जाके ना फ्रूट्स वगैरह तो वैसे लगता है जैसे हमने जिंदगी में खाए नहीं। असल में टाइम भी होता है, वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी दूर है हमारा ना यूनिवर्सिटी से, तो पैदल चल के जाने का दिल नहीं करता। बाइक पे वैसे लो लगती है गर्म गर्म हुआ, तो इसलिए हमने कहा खाते ही नहीं है, रोला ही खत्म। तो आज ये गर्मियों का मेरा पहला आलू बुखारे का दाना, आई एम गोइंग टू ईट। मैं ना ये मोटरसाइकिल पे पीछे बैठना है ना, मैं चलो ये आम खाता जाऊंगा। सच्चा है? चलो इधर अब्बा जी बैठे हुए हैं। हाँ जी अब्बा जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है। गर्मी शर्मी सही पाई है? चलो फिर आज असि हम दे पाए करो। अभी हम चलते हैं जी और मिलते हैं वापसी पे आके। चला यार, मुझे ना पाला लग रहा है, मैंने ना हेलमेट पा लिया। ये पकड़, धूप निकल रही है, कितना अभी साया बना था। हाँ जी चले। चलो पीसे मैंने निकलवा लिए क्योंकि पीसों के बगैर ना कोई काम नहीं होता। तो अभी चलते हैं शॉपिंग शूपिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। अभी हम शॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ से हमने जूते खरीदे हैं अब्बा जी के लिए। और ये इस तरह के कोई स्टाइल होते हैं जूतों के जो अब्बा जी पहनते हैं, इसके अलावा तो कोई लेके जाओ समझ लो रिजेक्ट ही हैं। ये देखें तो अभी ना हम चेक कर लें कौन सी पसंद आती है और फाइनली फिर आपको जाके घर दिखाएंगे। और एक चीज़ और भी है हमने, वो भी खरीदनी है, वो भी आगे आपको दिखाते हैं। पहले तो जूता पसंद कर लेना। अम्मा जी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब आ रही है जी अम्मा जी के लिए। उनके लिए हमने शूज़ खरीदने थे घर के पहनने के लिए, उन्होंने कहे थे, तो अभी वही देख रहे हैं कौन से लेने हैं। इधर काफ़ी लगे हुए हैं घरेलू यूज़ के लिए ना, देख लो सिंपल से लो, बस पानी में यूज़ करना है घर में, कौन सा शादी पे पहन के जाना। ये तो लेडीज़ नहीं है। No, it's time to take some liquid. सदाकत का लिक्विड ना ख़त्म हो गया अब गाड़ी के अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हमें यहाँ से मैंगो शेक पियेंगे और इसके बाद फिर कंप्लीट हो गई शॉपिंग, ये सारा कोई डन हो गया। हमारे गर्मा गर्म शेक हाजिर हैं। तो पी के फिर निकलते हैं घर को, बहुत गाढ़ा बनाया असल में ना, दूध कम डालते हैं, सेब सॉरी मैंगो ज़्यादा डालते हैं तो फिर गाढ़ा बनता है।
अभी जो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, कोई काम ढंग से नहीं करता ये। मोबाइल वगैरह फिर चेक करवाया? नहीं, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो पेट्रोल ख़त्म हुआ है। हाय गाइस, तो घर हम आ गए और सेलिब्रेशन जो हमने स्टार्ट करनी थी, छोटी सी सेलिब्रेशन है, कुछ खास हमने इंतज़ाम नहीं किया। उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने कल वापस जाना है, टाइम बहुत कम था, और दूसरा ये कि बाहर मौसम ना शदीद वाला ख़राब हो गया। आपको सदाकत की वीडियो से पता चल जाए कि मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को कवर नहीं किया। तो अभी जो है ना, अब्बा जी भी आ गए, अम्मा जी भी आ गई, भाई मुनव्वर भी आ गए, और सदाकत बिहाइंड द कैमरा बैठा है इधर। पता है सबको, कैमरा तू नहीं पकड़ना है, और किसने पकड़ना, दिखाना जरूरी था। अच्छा, मैंने कहा मत तू, कोई आंखें नहीं। थोड़ा सा इमोशनल सीन बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है फादर्स डे है, तो इमोशनल भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्मा को भी मैं शामिल करूँगा कि अब जो हम यहाँ तक हैं ना, तो ये सब हमारे यानी कि पेरेंट्स की ही वजह से है। इन अम्मा और अब्बा जी दोनों ने अपनी कुर्बानियाँ यानी कि अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके हमारी ख्वाहिशात पूरी करते रहे और हम आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो इसीलिए ना मैंने कहा कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं, और गिफ्ट जो मैं लाया था वो मैं आपको आज दिखाता हूँ अब्बा जी के लिए। मैं स्पेशली तौर पर, पहले सदाकत ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था और आज मेरी बारी लगी है और आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ फादर्स डे। तो गिफ्ट पड़े हैं वहाँ, मैं तो अकेला नहीं सेलिब्रेट कर रहा, हम भी इधर बैठे हैं, हम भी इधर सारे बैठे हैं। हम जो भी हम देते हैं हमारी तरफ से, हमारे पूरी फैमिली की तरफ से, हमारे पेरेंट्स के लिए होता है। ये नहीं कि अम्मा ये मैं दे रहा हूँ, असल में पैसे मैं भी इनसे लेके देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं से आते हैं तो वो भी यहीं से आते हैं। आज वैसे इसके साथ मैं बाजार गया हूँ ना, तो इसका मैंने खीर खर्चा तो भाई मुझसे सबर नहीं हो रहा, गिफ्ट उठा के दो, गिफ्ट दिखाते हैं। मैं आज अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ जो मुझे लगा है, तो सारा कुछ दे दो, सारा कुछ दे दो। अबे वास्ते नीला सूट वो देख लेते हैं ना। सबसे पहले तो आज ना, आज अम्मा को थोड़ा सा, आज आपको पता है फादर्स डे है, तो अम्मा जी को ना थोड़ी इम्पोर्टेंस आज कम मिलेगी। तो अम्मा के लिए ये जूते लेके आए थे हम, जो कि उन्होंने घर में पहनने के लिए लिए थे। तो कैसे हैं अम्मा जी जूते? ये अम्मा भला किसने पसंद किए होंगे? मैंने सच कह रहा है, पसंद ना कीते हैं। चले जी, ये अम्मा जी के जूते हैं। आज ना मेन टॉपिक अब्बा जी हैं, तो आज हम अब्बा जी की बात करेंगे। हाँ। तो ये अम्मा जी के जूते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, तो इनको आप करें साइड पे, बात आप करते हैं अब्बा जी की। तो पहले जो है ना, सदाकत की वो क्या कहते हैं ख्वाहिश पूरी हुई है, तो वो वाली चीज़ दिखाएंगे, अपनी चीज़ जो मैं लास्ट पे दिखाऊंगा। तो ये है जी, सदाकत की तरफ से, भाई मुनव्वर की तरफ से, फिर मेरी भी तरफ से, और हम सब की तरफ से, जितने भी भाई हैं उनकी तरफ से पहला गिफ्ट ये। अब्बा जी आप गैस करें क्या होगा? इससे जी कोई रुमाल शुमाल होगा। अच्छा, मजाक को छोड़ के हमने अब्बा जी को कुछ भी नहीं बताया था। अब्बा जी को पता नहीं क्यों, वो क्या कहते हैं ना, शक्तियां मिल रही हैं और खुद ही गैस कर रहे हैं, और सही गैस किया है, इसके अंदर रुमाल ही है। आपने तो देखा होगा, नहीं देखा तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। पता है अब्बा जी को ना बस कुछ चंद चीजें ही पसंद है, कपड़े वो भी ब्लू कलर के, रुमाल वाइट कलर का, और एक और चीज है वो मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो पहले तो रुमाल दिखाते हैं। ये जी हमारी तरफ से आपके लिए, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये है जी रुमाल। ये रुमाल, तो ये अम्मा जी के लिए जी रुमाल हमने खरीदा है, पगड़ी बांधने के लिए। ऐसे बांधते हैं, मुझे तो बांधनी नहीं आती, अभी आपको अब्बा जी बांध के दिखाएंगे। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट था। और दूसरी चीज, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग जो कि मेरे लिए है। अच्छा अब्बा जी, इसमें क्या होगा? ओके, हवान के शाह है माई की बात। पहले वाला तो आपने गैस कर लिया था, इसका कोई गैस नहीं है? कोई नहीं है। चले जी, कोई बात नहीं, हम दिखा रहे हैं ना। तो 1 2 3 मैं तो बोल रहा हूँ जूस का डब्बा है, इसमें वॉशिंग मशीन है। 1 2 3 तो ये ऑसम, ये अब्बा जी के लिए खुस्सा खरीदा है। आपने अगर नोट नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, मैं जब से पैदा हुआ मैंने अब्बा जी को इसी तरह के शूज़ पहनते हुए देखा है, आज तक अब्बा जी ने दूसरे शूज़ नहीं पहने। तो इसलिए आज स्पेशल हम अब्बा जी के लिए ये वाले शूज़ खरीद के आए हैं। तो कैसे लगे अब्बा जी? अच्छा ही है, मज़े दें बड़ा।
ਬਸ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਕਵਰ ਹੋ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸੂਟੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤਿੱਲਾ ਲੰਗੋਇਆ ਹਾਂ ਤਿੱਲਾ ਲੰਗੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ तो ये दो गिफ्ट थे हमारी तरफ से अब्बा जी के लिए। वंस अगेन मैं एक बार अब्बा जी को हैप्पी फादर्स डे। अब्बा जी आपको एक वालदैन का जो दिन होता है ना, एक बाप का दिन होता है, आज समझ ले वही था। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, तो आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, आपकी दुआएं हमारे व्यूअर्स की दुआएं, तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह, आमीन। तो ये दो गिफ्ट खरीदे थे आज हमने स्पेशली तौर पर अब्बा जी के लिए। आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे। अब्बा जी को तो ये पसंद है, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100%, क्योंकि अब्बा जी ने यही पहनने हैं। ये अब्बा जी बांध के दिखाए ना, इसके बना के दिखाए, वो कैसे बनाते हैं लग रही है। ऐसे ऐसे ही बांधते हैं आप, कैसे अच्छी लगती है। तो सिंपल सी लाइफ है विलेज की, आपको भी पता है। पगड़ी ज्यादा सोहनी लग रही। सिंपल सी लाइफ है विलेज की, आपको पता है। इस तरह से हमारे ना बुजुर्ग हजरात जो है ना पगड़ी बांधते हैं नीचे। असल में वो तुरे वाला जो सीन होता है ना, वो होता है कबड्डियों में लोग बना बांधते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उतार। वो ना हमारे इलाके का होता है नंबरदार, जो होता है नंबरदार को सूट करती है। ये भी ना सर पर कपड़ा रखना सुन्नत तरीका है, लेकिन ना डिसेंट वे में रखना चाहिए। तो ये आप देख लें जी, अब्बा जी ने पगड़ी तो बांध ली है, बाकी खुशा जी अभी अब्बा जी चेक कर लेंगे। तो बस ये एक आज फादर्स डे का दिन था, हमने फिर कोशिश की है सेलिब्रेट करने की। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन अब्बा जी हमारे तरफ से, सबकी तरफ से आपको एक बार फिर से फादर्स डे मुबारक। ताड़ियां। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लें। और आप सब लोग भी, आप सब में से भी जितने बुजुर्ग गुजरात हैं, उनको भी हमारी तरफ से भी फादर्स डे मुबारक। और आप सब भी अपनी फैमिली में जरूर विश कीजिएगा। और मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।